खड़े होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये किसके साथ खड़े होते हैं? ये सिर्फ सत्ता के साथ खड़े होते हैं। आलोक जी, कैसे मिल जाए, कहां से मिल जाए, इतना काफी है या और? सबसे पहले न्यूज इंडिया के मंच पे आए हुए तमाम अतिथियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, और आपका ये मंच हमेशा से प्लेटफॉर्म देते आया है जी। मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि आपने करप्शन पे डिबेट चुना, मुझे बैठाया, बगल में टोटी चोर को बैठाया, बगल में 2G 3G 4G, अब ये भाषा शैली है, पताल नकाल सबके घोटालों बाज को बैठा दिया, भाषा शैली देखिए। अब उसके बाद करप्शन ने मुझे, इसलिए ये कह रहे थे दोनों को मिलकर निपटाऊंगा, नहीं नहीं इसलिए कह रहे थे दोनों को मिलकर निपटाऊंगा। एक सेकंड, भाषा शैली देखो, ये भाषा शैली की बात करेंगे, जहाँ शुरुआत ही इनकी भाषा ऐसी है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको बीच में कुछ बोला। अच्छा, हमने हमारी भाषा शैली देखी, भाषा शैली अपनी भाषा शैली देखी, अपनी भाषा शैली देखी। आपने देश चोरी कर लिया प्रभु, लोगों की खुशियां चोरी कर ली, लोगों का चैन चोरी कर लिया, आपने क्या चोरी नहीं की बताइए? प्राइम मिनिस्टर ही कहें कि नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? लोगों का विश्वास चोरी कर लिया, बड़ा मुश्किल है बताइए। ये भाषा है, एक मिनट, मेरी भाषा मिनिस्टर का लेबल नहीं है तो इनका लेबल सुनिए, सोचो आपका लेवल में बता रहा हूँ, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर का लेबल लेवल आपका लेवल देखिए, पहचान लेवल से होती है, पहचान ब्रांड से होती है, पहचान ब्रांड से होती है, लेवल पर बात कर लेते हैं। भदौरिया जी, इनसे उम्मीद न रखिए कि कोई सभ्य भाषा बोलेंगे या इनकी भाषा में ही नहीं ये कोई तर्क संगत बात करेंगे, इनसे कोई उम्मीद मत करिए। ये दिक्कत है, पार्लियामेंट में भी यही दिक्कत है, बाहर में भी यही दिक्कत है। अरे तो आप बात ऐसी करते हो, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट उदित जी एक बार पूछ लेते हैं, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? अरे कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, ब्रांड कौन सा? अच्छा बताइए, इनका ब्रांड यही है, इनका ब्रांड यही है, पार्लियामेंट में खड़े होके गाली देना। रमेश बिदुड़ी याद है? एक साथ है रमेश बिदुड़ी, याद है क्या गालियां दी थी रमेश बिदुड़ी ने? क्या हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कमाल है, ये रमेश बिदुड़ी की पार्टी। अनुराग जी, अनुराग जी देखिए, दोनों के मजे ले रहे हैं, दोनों के मजे ले रहे हैं। देखिए बोले मैंने पिन लगा दी, नहीं, अब दोनों शुरू हो गए। तो एक एक रमेश बिदुड़ी के पार्टी के लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं, जो आतंकवादी की तरह भाषण देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके। ठंडे हो जाइए ना, नहीं क्यों ठंडे हो जाओ, इस तरह की भाषा ठंडा मंगाओ, क्या होगा फिर? ठंडे हो जाओ, ठंडा मंगाओ, मंगवा दीजिए लोग के लिए। ठंडे तो ए हो गए, चलिए शुरू हो जाइए, चलिए ठंडे ए हो गए, नहीं बोल रहे इनसे, नहीं बोला जा रहा, आप बोलिए ना भाई, बोलने नहीं दे रहे आप लोग, दोनों खुद ठंडा हो गए हैं, दूसरे को कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आलोक जी, आप पहले इनके भ्रष्टाचार की बात करिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पे आर पार की बात हो रही है, उसके बाद अनुराग जी आपके भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और बच्चा कुछ थोड़ी बहुत अगर कसर रह जाएगी तो उसको पूरा कर देंगे। उदित जी आप शुरू करिए। देखिए इन्होंने एक मिनट मुझे बोला है बोलने के लिए, एक सेकंड, आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैंने भ्रष्टाचार में छात्र गिना दिया, गिना दिया, मैंने भ्रष्टाचार में युवा गिना दिया, मैंने किसान के साथ इनका भ्रष्टाचार गिना दिया, और देश के साथ भ्रष्टाचार तो पता ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये भ्रष्टाचारियों को तो बुला बुला के अपनी पार्टी में लाते हैं, इनको कम पड़ जाती है तो चलिए एनसीपी वाले आ जाइए, हमेशा ये भ्रष्टाचारियों को बुला बुला के। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, विपक्ष के 25 बड़े नेताओं के यहाँ ईडी की रेड कराई उन्होंने, चोर क्या ही ईडी जाएगी, सुन तो लीजिए, क्या ईडी जाएगी, अरे आप सुन तो लीजिए। फिर वो अपनी बचत के लिए बीजेपी में आ गए, अजीत पवार है, अजीत पवार है, लड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए दोनों को, क्या ये अपना चरित्र दिखा रहे हैं, लड़ने दीजिए दोनों को, इनकी इन दोनों में कंपटीशन है ज्यादा, कौन बोला के जवाब क्या करें? उदित जी आपके सवाल का जवाब, उदित जी 25 के ऊपर जो आरोप बीजेपी ने लगाया था महाभ्रष्ट, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, या आप सुबह हेमंत बिश्वा शर्मा हो, और चाहे वो मधु कौड़ा हो, उनकी वाइफ, ये बड़ा आरोप लगता है आलोक जी आपके ऊपर। ये देखिए देखिए भ्रष्टाचार पे बात हो रही है ना, आप भ्रष्टाचार पे बीजेपी आप यूपीए के कांग्रेस के तमाम विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार पर आप 60 साल के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 60 साल के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन सभी नेताओं को आपने ले लिया और वॉशिंग मशीन में सबको धो दिया, इसका जवाब दे दिया। हाँ ये बताए है ना, हम लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे तो नहीं, हम लोग चुप रहेंगे, आप तो चुप रहिएगा, हम लोग चुप रहेंगे, बस इनसे जवाब ले लीजिए। 25 मिलेगा 2000 जवाब दीजिए। अरे एक मिनट उदित जी भाई, अजीत पवार का दीजिएगा, पार्लियामेंट से निकल के अधिकारी का दीजिएगा, पार्लियामेंट में उदित जी सबका देंगे, पूछिएगा इनसे। हाँ बोलिए, एक एक बात करके बता रहा हूँ। आप ये बताइए, मैं यहाँ पे एक जनता से जनरल कॉन्शियंस पूछता हूँ, जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा
आरोपित कन्विक्टेड होगा, कन्विक्टेड, अदालत ने कन्विक्ट किया, हमने नहीं किया, उसको आप माननीय कहेंगे? कहेंगे? ये गोद में बैठाते हैं, पैर छूते हैं, लालू यादव जवाब क्या? एक मिनट, बीच में नहीं, बीच में नहीं। अब दूसरी बात, जवाब नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव में जवाब, जितने इन्होंने नाम गिनाए, ये जितने इन्होंने नाम गिनाए, प्रफुल्ल पटेल से लेकर तमाम चीज, क्या ये सारे मुद्दे लेके जनता के बीच में नहीं गए थे? गए थे ना, जनता ने जवाब दिया कि नहीं? हरा दिया ना जनता, जनता ने हरा तो दिया। अरे मोदी जी ने हरा तो दिया। एक मिनट, एक मिनट, एनसीपी को, अरे उदित जी, उदित जी बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, अरे आपके पते की बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए, अब विमर्श बनाने की तरीका खोजा जा रहा है। 199 पे रह गया, 3 चुनाव हो गए, 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए। विमर्श क्या बनाया जा रहा है? नैरेटिव बनाया जाता है पत्रकारों द्वारा, इकोसिस्टम्स के द्वारा, बाकी लोग के द्वारा, कि बीजेपी चुनाव हार गई। कहां से चुनाव हार गई बीजेपी भाई? हार गई 240 हमले के, 206 ये जीते थे 2009 में। आलोक जी आपने कहा कि वो चुनाव हो गए, चुनाव जीते, अगर भ्रष्टाचार में कोई भी आरोपी है और अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं, सारे दुर्गत के? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो आरोपी है, कि चुनाव जीत जाए तो उसका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं होता है। न्यायालय इस बात पे काम कर रही है। आप ही बताइए बेल पे कौन है? बेल पे राहुल गांधी चुनाव जीत गए ना? बेल पे है या नहीं है राहुल गांधी चुनाव? बेल पे है नहीं? अरे जमाना चुनाव तो जीत गए ना, आपने तो कहा चुनाव जीत गए, आपके ऊपर जब आरोप लगा तो आपने सबको लोग नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी चुनाव जीत गए तो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई मतलब नहीं है, आपके सारे आरोप बेकार। भाई आरोप बेकार कैसे? राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं? नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ की संपत्ति बचा के रखे हुए सीधी शहर में, वही तो युद्ध। चलिए आईटी पे दिखाता हूं। उदित जी भी तो, उदित जी वो नहीं बोल रहे हैं, उदित जी दूसरी बात बोल रहे हैं। उदित जी के तो बोल हमेशा बदलते रहते हैं, तो उदित जी की बात तो कीजिए मत आप। उदित जी इंडिविजुअल नहीं है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अजय आलोक इंडिविजुअल नहीं है, अनुराग भदौरिया को इंडिविजुअल नहीं है। हमारे यहाँ तो पार्टी, यहाँ पे पार्टी है, उसके चरित्र ये दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश करी जा रही है। क्या आप लोग को पता है कि ईडी और सीबीआई ने पिछले 7 साल में 1,84,000 करोड़ रुपए का एसेट इस देश में जब्त किया है, इन्हीं भ्रष्टाचारियों के यहाँ से जब्त किया है? कहां से आ गए ये पैसे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ईडी क्यों नहीं जाती? मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है? भारतीय जनता पार्टी नेताओं के क्यों? बीजेपी शासित राज्यों पे आरोप लगा, बीजेपी शासित राज्यों के यहाँ क्यों नहीं जाती? कैसे हो जाते हैं? मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं दोनों, मुझे फॉर्मूला बताओ कि नहीं मुझे अरे आप ही तो अभी बोल रहे थे, आप ही ने तो अभी मिलके बोला था कि मैं दोनों को निपटाऊंगा। इधर मुझे दोनों के बीच में फंसा दिया। मनोजी, एक सेकंड, इनसे ये पूछिए, उदित जी अभी पहले ये बोलना, जो सवाल महागठबंधन लड़ेंगे, देखिए महागठबंधन का यही खेल है, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं बोल रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई खरीदे समाजवादी, खरीदा पैसे से खरीदा हूँ, बोले दीजिए इनके सवाल ये बात हो जाए प्रभु, अरे आलोक जी सुन तो ले हाँ बोलिए। देखिए दो सवाल ये है कि मैं इनसे पूछता हूँ, ईडी सीबीआई बीजेपी के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं जाती है? वहाँ उनका रास्ता क्यों भूल जाती है? क्या वो गूगल मैप लगाना भूल जाती है? गूगल मैप में खाली विपक्ष के नेताओं को लगा के बैठ देती है गाड़ी में, और गूगल इनको लेके जाता है विपक्ष के नेताओं के यहाँ, बीजेपी के नेताओं के यहाँ तो जाती नहीं है। और जिनके यहाँ, और जो बीजेपी के नेता जो नहीं भी थे इनकी पार्टी में आ गए, फिर इनका गूगल मैप खराब हो गया, अनुराग जी जाना बंद कर दिया। भ्रष्टाचार के गूगल मैप की बात होगी, अब इनको मौका, आपके साथ ही है, पूरी बात हो जाए आपके साथ ही। जिनको ये बोलते थे चक्की पिसिंग करके मंत्री बनाएंगे हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगे, कुछ उसके बारे में नहीं बोलोगे? ये बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनसे कोई आशा नहीं। अरे सुनिए, विपक्षी नेता है आपके यहाँ। देखिए ऐसा, मेरे सवाल का जवाब आया नहीं। देखिए आप श्रोता के लिए भी अच्छी बात नहीं होती ना हमारे लिए, अगर मैं बोलता हूँ तो बोलने दीजिए, आलोक जी बोलेंगे हम इंटरफियर। श्रोता आदि हो चुके हैं आप कई सालों से? नहीं नहीं, तो गलत है, अगर गलत आदत आदि हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे आप ही आ जाओ फिर भैया, आप ही आ जाओ ना फिर। एक मिनट, अरे आप ही आ जाओ, बोले दीजिए। हाँ ये सभ्यता का मतलब यही, ये डिबेट में आए हो आप, डिबेटर हो क्या? उदित जी आप अपनी बात करिए। हाँ। कोई तरीका होता उदित जी, हम 10 आदमी बैठा दे हो हल्ला करेंगे तो
उदित जी अपनी बात, कोई मर्यादा होता है? अरे आप भटक गए, आप अपनी बात कीजिए, आपके चिल्लाने से मतलब है? उदित जी मैंने इनसे पूछा, इसीलिए बीजेपी हार गई है। नहीं, अरे सुनिए एक मिनट रुक जाइए, ये कार्यकर्ता इनके ऐसे, अरे विपक्ष में, हाँ भाई मोदी जी ने एक मध्य प्रदेश के एक रैली में कहा था, ये मोदी जी का वादा है अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, मैं जेल भेज के रहूंगा। 4 दिन के अंदर ही समझौता हुआ और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बन गए। ऐसा एग्जाम्पल भारत में नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, दो बात हो गई, अनुराग जी ने भी बोल दिया, आपने आलोक जी जवाब दे दिए, दोनों बड़े आरोप हैं आपके ऊपर, जवाब दीजिए सही, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल बताइए, बताएंगे नहीं। एक मिनट, आपने फिर बहुत बड़ी बात की, इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा, कहां लुटा काफिला भाई, लुट सरकार में, हम है प्रधानमंत्री हमारा है, अरे काफिला लुट गया, जवाब नहीं, ये नेगेटिव है जो किसके में विरोध करता हूं, लुटा तो ये लोग, लुटे ये लोग, भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, एनडीए की बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, किसकी सरकार, किसकी सरकार, विपक्ष में भी लूट रहे, ये सत्ता में थे तब भी लूट रहे थे, विपक्ष में भी तब भी लूट रहे। अच्छा सरकार किसकी बनी, अच्छा सुनिए सुनिए, सरकार किसकी है, हमारी है, सरकार नहीं किसकी, हमारी है, किसकी, नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी पार्ट 3 की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, एनडीए की सरकार, अब आ गए ना, ये होता है ना, 70,000 करोड़ का आरोप मोदी जी ने लगाया और मोदी जी ने कहा कि मैं जेल भेज करके रहूंगा, जेल भेजने के बजाय उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा उदाहरण पूरे आजाद भारत में हो तो बता दीजिए, आपको राहुल गांधी की कसम, रुक जाइए एक मिनट, अच्छा सरकार एनडीए की है ना, ओ भाई एक मिनट, एनडीए नरेंद्र मोदी पार्टी, एनडीए अनुराग भाई जवाब ले, अनुराग भाई जवाब ले, एक मिनट, माने इसलाय जवाब, जवाब तो ले, सुनिए दो जवाब दे, सुनिए ना, सुनिए, अभी जवाब नहीं मिला, अभी जवाब मिला नहीं, अभी जवाब नहीं मिला, अभी जवाब नहीं मिला, जवाब ले लीजिए, बोल तो रहे हैं इस लायक हो गए कि अब बीजेपी की सरकार नहीं बोल पाते, अब बोलना पड़ता है एनडीए की सरकार, बैसाखी पे ना बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, एक मिनट एक मिनट, उसका मैं आप लोग के साथ, एक मिनट एक मिनट, जनता दल यू की सर, पहले जनता दल यू के प्रवक्ता थे आलोक जी, जनता दल यू के प्रवक्ता थे, अब तो बीजेपी में आ गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं बिहार में, बिहार एक एक गिरा, फिर दो गिरा, फिर तीन गिरा, फिर चार गिरा, ग्यारह गिर गए, ग्यारह गिरे, जिम्मेदार विजिलेंस इंक्वायरी भी बैठ गई, पुल क्यों गिरे, बताता हूँ, 16 ठेकेदार अंदर चले गए, नाम आ रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, अच्छा कुछ दिन में सामने आएंगे, ऑलरेडी बेल पे हैं, दोबारा बेल लेने की नौबत पड़ेगी, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो, आपको पता है कितने भी यही शामिल है, यही लोग शामिल है, यही लोग हैं, यही लोग सत्ता में, ये उसमें भी आप लोग सत्ता में, सब भी आप दोषी, कमाल है भैया, सत्ता में दोषी हम, विपक्ष में भी दोषी, सत्ता में हम दोषी, बताओ ये सरकार इनका भला कर सकती है क्या, जो सरकार सत्ता में रह के विपक्ष को दोषी ठहराती हो, आलोक जी कह रहे हैं कि ऐसे डिबेट नहीं होगी, ये दोनों बोलते रहेंगे और मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, आप बोलने लायक बच्चे कहां हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे छेड़ा किसने था, छेड़ा किसने था, ये जवाब देते हैं, छेड़ा किसने था, आलोक जी ने कहा पहले दोनों बोल लें, दोनों को मिलके निपटाऊंगा, बोले तो रहा हूँ, खुद ही निपट चुके हैं, निपटा लीजिए, निपटा लीजिए, ये पीछे भाग गए, निपट गए, मैंने आपको पहले बोला था बीजेपी निपटी हुई है, निपट गए, निपट लिए, देखो पीछे हट लिए, आप ये देखिए बीजेपी अब पीछे ही जा रही है, एक सदन के अंदर कहता है मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, खुद ही निपट गए, पूरे विपक्ष का नेता हूं, ममता बनर्जी आती है नीति आयोग की बैठक, अरे आप पूरे विपक्ष की बात उठाऊंगी, ये तो कौन नेता, कायदे की बात है, नेता कौन, आप सारे लोग मिलके बहिष्कार कर देते हो, ममता बनर्जी पहुंच जाती है साहब, तो अच्छा ममता जी गई, गई ना, तो गई जाके उनको इन्होंने 5 मिनट बोले, राजी जी बनाने वापस आ गई, वापस आ गई, हम तो सम्मान में गए, केजरीवाल लोकतंत्र है, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, अच्छा एक चीज आलोक जी, एक बड़ी बात इस मंच से, उदित जी एक बड़ी बात इस मंच से, आईटीवी नेटवर्क के मंच से, आईटीवी नेटवर्क से मंच से एक बड़ी बात कही, पवन खेड़ा सुन तो लीजिए, पवन खेड़ा एक बड़ी बात कह के गए हैं, भ्रष्टाचार की बड़ी बात, और वो ये कह के गए हैं मोदी सरकार से, अरे सुन लिया आलोक जी, अनुराग जी सुनिए सुनिए, एक मिनट उदित जी, बड़ी बात है, पवन खेड़ा एक बड़ी बात कह के गए, मोदी सरकार से हमने बहुत कुछ सीखा है, अब हमारी सरकार तो आनी चाहिए, हम बताएंगे इनको, पहले 70,000 करोड़ वाला जवाब दिलवा दीजिए, एक मिनट
वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो ना वो हम करेंगे। जो मुंगेरी लाल के हसीन सबके देखे में मैंने बनाई थोड़ी ना की, पहले भ्रष्टाचार को लेकर जवाब हो जाए। 29 दिन मिला लेंगे, 34 दिन लगाए तो अगले 25 साल तक कांग्रेस तो कोई इस्तेमाल नहीं। अच्छा 70,000 करोड़ का जवाब दो, अरे 70,000 करोड़ का जवाब दो, लड़ना शुरू। कोई भ्रष्ट हो सकता है? 70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं वो? एक बात वो कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोग दुकान पे नेम प्लेट टांगेंगे, लेकिन नीरव मोदी और माल्या ये लोग अपने नेम प्लेट नहीं टांगेंगे, वो वापस नहीं आ पाए। नहीं नहीं, जो यहाँ पे अभी हम लोग के सेशन के पहले संजय सिंह यहाँ बैठ के बोल रहे थे कि नेम प्लेट 14,000 करोड़ का, वो बोलिए ना, अरविंद केजरीवाल का नेम प्लेट टांग के क्यों नहीं घूमते हैं, सत्येंद्र जैन का नेम प्लेट टांग के क्यों नहीं घूमते हैं? ये भी बड़ी बात है साहब, आपके गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल, 17,000 करोड़ गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल, जवाब देके उनके ऊपर भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जवाब देके जाइए 17,000 करोड़ का, जवाब देके जाइए कि 17,000 करोड़ का आप लगाने वाले हो। एक मिनट एक मिनट, उदित जी कैसे लेके मंत्री बनाया? अरे उदित जी मुख्यमंत्री बना दिया। अरे उदित जी कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रहा हूँ, कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रहा हूँ। उदित जी अरविंद केजरीवाल तो आपके महागठबंधन के साथी है, उनके भ्रष्टाचार के बाद आम आदमी पार्टी से पूछिए भाई, हम कांग्रेस खत्म, छोड़ दिया आपने, स्ट्रेटजी बनाने मजेदार में छोड़ दिया। एक मिनट रुके, 17,000 करोड़ का जवाब लीजिए इन्होंने, 17,000 करोड़ का जवाब लेके जाए, जिसको 17,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं उसके बाद डिप्टी सीएम कैसे बनाती भारतीय जनता पार्टी? में जानना चाहता हूँ, और कौन सी मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी उसमें साफ करके सबको अपने यहाँ ले लेती है? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए आप, हमें इंडिया बताइए आपको कौन सी मशीन आपके पास? आप मत, आप सही डायरेक्शन में डिबेट ले जाइए। कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ये समाजवादी पार्टी का, दूसरे पार्टी के बारे में तो मैं अगर कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे आलोक जी तो अनुराग जी बचाएंगे नहीं? पूछे बचाएंगे नहीं? अब उनके उनके एक बात और पूछना चाहता हूँ, आलोक जी कल राहुल गांधी सुल्तानपुर में फिर से बेल लेने गए थे, सही बात है, सुल्तानपुर में बेल लेने गए थे, उसके बाद एक जूते वाले के दुकान पे बैठ के जूता बनाना सीखा। एक मिनट बताइएगा, आप ही भ्रष्टाचार नहीं, आप ही बताइएगा विषय नहीं। वहाँ उन्होंने कहा राहुल गांधी ने, जो की मीडिया ने नहीं चलाया, जिसको मैं फिर कहता हूँ विमर्श बनाने की बात है, वहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार को लेके, इसे आजादी से लगातार बहस चल रही है, हर राजनीतिक दल इस बात का जिक्र करता है कि भ्रष्टाचार करने वाला सामने वाला है, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार को लेकर कभी भी कोई भी राजनीतिक दल और कोई राजनेता बिल्कुल ठीक और साफ लकीर नहीं खींच पाया। बिल्कुल, हाँ इतना जरूर होता है कि मेरे भ्रष्टाचार से तेरा भ्रष्टाचार सफेद क्यों है, ये तमाम तरह की चर्चा होती है फिलहाल, क्योंकि ये बहस खत्म नहीं हो सकती है, इस बहस को इस चर्चा को भ्रष्टाचार के आर पार यही समाप्त करते हैं। करोगे तो अभी पीछे गए, पीछे से निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही